नमस्कार दोस्तों, एथी स्टडी ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बात करेंगे वीकली चार्ट के एनालिसिस की। तो वीकली चार्ट के एनालिसिस में देखो क्या है, वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, मार्केट में देखो आपने सेल ऑफ देखा होगा कल मार्केट में। मार्केट एक अच्छा खासा गिरा है मार्केट, तो मार्केट में कुछ तो बड़ा हुआ है, तो कई रीजन हो सकते हैं मार्केट में सेलिंग आने के। मगर मेरा तो यही है कि मैं चार्ट के अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो चार्ट को रेड कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट कह क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। निफ्टी के चार्ट को मैं आपसे पहले बता के चल रहा था, पिछले वीक की मैंने एनालिसिस पे डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट में एक सेल ऑफ दिखाई दे रहा था थोड़ा सा, जो इसी के आसपास जो बन रहा था मार्केट में जो सेल ऑफ था। अब आपको ये कैंडल की ओर पहचाननी पड़ेगी, ये कैंडल क्या बनी, ये कैंडल बनी। अब देखो ये वाली कैंडल एकदम सेल ऑफ हुई, पिछले वीक की कैंडल को खा गई है। ठीक है, इसे बेरिश इंगल्फिंग बोलते हैं दोस्तों। तो बेरिश इंगल्फिंग है ये, इस वाली कैंडल को इंगल्फ कर गई है, खा गई है ये, जिसके अब इसके नीचे अब निकलेगा तो मार्केट में सेल ऑफ आएगा, जिसमें अभी रह रहा है यहाँ तक का करेक्शन रह रहा है। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे मार्केट के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ के लिए यहाँ तक का करेक्शन अभी बाकी है, बाकी देखते हैं अभी कितना और करेक्शन होना है। अभी इसके नीचे यहाँ मार्केट थोड़ा सा होल्ड करे, यहाँ थोड़ा सा होल्ड करे, होल्ड करने के बाद यहाँ से गिरे, डे चार्ट पे क्या 2 दिन होल्ड करे, उसके बाद गिरे तो मजा आएगा इसमें कुछ और, तो फास्ट मूवमेंट होगी जो। ठीक है, और नीचे के लिए सपोर्ट हमारा ये निकल कर आ रहा है दोस्तों लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 23,930 का, और दो पहला सपोर्ट आ रहा है 24,000, लेकर चलोगे 24,450 का, 400 पकड़ के चलेगा दोस्तों निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो निफ्टी की बात यही है। अब बाइंग आने के लिए, बाइंग आने के लिए तो इसी के ऊपर निकलेगा तो एक नई रैली दिखाई देगी ना, तो यहाँ पे कुछ वेट करने का इंतजार करेगा, थोड़ा सा करेक्शन अभी और है मार्केट में, क्योंकि बेरिश सिंगल फिंग है। इसके बाद अगर नीचे को निकलेगा तो यहाँ तक आएगा, और इसका लेवल तोड़ेगा तो यहाँ तक भी आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे कि अभी मार्केट को ध्यान देंगे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी न्यूज चल रही है, न्यूज़ के ऊपर मार्केट डिपेंड हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिकी बाजार में थोड़ी सेलिंग चल रही है, बिकवाली चल रही है मार्केट में, वो चीज़ देखना है। तो निफ्टी को लेकर चलते हैं हम डे चार्ट पर, डे चार्ट पर देखेंगे। मगर हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, वीकली कैंडल को दिखाने से पहले मैं आपको लेवल भी दिखा दूँ अपनी। वीकली कैंडल के अनुसार लेवल हमारे यही थे, इसके नीचे भी निकलेगा तो हमारे सेलिंग आएगी जो यहाँ तक आनी थी। अभी यहाँ थोड़ा सा होल्ड करे, होल्ड करने के बाद नीचे को निकले तो अभी यहाँ तक अभी 24,400 का लेवल टच करना रह रहा है नीचे की तरफ के लिए। ठीक है, अभी इस पर ध्यान देंगे हमने, आगे देखते हैं क्या होता है। तो डे चार्ट पे चलें, तो डे चार्ट पे देखते हैं डे चार्ट पे हमारा निफ्टी क्या कह रहा है। तो लेवल खोल कर रखेंगे दोस्तों, फिर उसके ऊपर बात करते रहेंगे। ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग दोस्तों निफ्टी में, लेवल के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, हाँ लेवल के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बता के चल रहा था, इतनी अच्छी रैली के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बनता तो है करेक्शन। अब ये इसके नीचे निकलना बनता था, यहाँ पे थोड़ा ऊपर को देखो, यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे को गैप अप, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद वहाँ पे रिवर्सल हुआ, दूसरी कैंडल से रिवर्स हुआ, ए सपोर्ट टूटा, रिट्रेस्ट किया, उसके बाद जब ये लेवल टूटेगा तो सेलिंग आनी थी, क्योंकि असल यहाँ लग गया। उसके बाद ये असल सनो सेलिंग बहुत अच्छी हो आई है। अब 24,850 का जो लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करें, यहाँ 50 पॉइंटों में थोड़ा कंसोलिडेट करें, और कंसोलिडेट करने के बाद इसके नीचे को निकले तो हमारा लेवल निकल कर आएगा ये। ठीक है, लेवल नीचे की तरफ को ये निकल कर आएगा दोस्तों। तो नीचे की तरफ को लेवल अभी 24,000 जो डे चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, अभी 24,650, 24,540 और बाकी 24,450 का लेवल निकल कर आ रहा है निफ्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा वेट करने दो मार्केट को, वेट करके थोड़ा सा एक बार और गिरे ना तो मज़ा कुछ और आएगा। ठीक है दोस्तों, चल रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो दोस्तों मैं आपको इसी से अकॉर्डिंग चल रहा था, ये हमारा साइडवेज जोन था, अभी से मैं वापस लेकर आ चुका हूँ यहाँ तक, और इनका काम खत्म हो चुका है, ये हटा देता हूँ मैं अभी आपके पास, ये देखिए। ठीक है, अब ये हमारा काम करने का तरीका रहेगा। अब मार्केट यहाँ से सेलिंग करी, सेलिंग करने के बाद यहाँ तक आया, सपोर्ट लिया, वापस गया, रिट्रेस्ट लिया, यही चलता रहा। अब यहाँ मार्केट थोड़ा सा वेट करने दो, यहाँ पे थोड़ा करने दो, और बाइंग साइड आने के लिए ये जो दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा अच्छे से लगा कर दिखा दूँ आपको ये। ठीक है, इस एरिया में मार्केट को थोड़ा आराम करने दो, आराम करने के बाद ऊपर को कोई रिट्रेस्ट कैंडल आती है, और यहाँ थोड़ा 15 से 20 मिनट की कैंडल
या 1 घंटे की कैंडल यहाँ वेट कर जाती है, हैमर टाइप में बना देती है, उसके बाद उसी का ऐसा लगा के एक ट्रेंड ली जा सकती है, जिसको पहली स्कैल्पिंग यहाँ बनेगी, दूसरा अपना टारगेट पर होगा। मगर यहाँ वेट करने के बाद, क्योंकि क्वांटिटी हल्की रखनी है कॉल साइड अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी एकदम से इतनी सेलिंग आने के बाद एकदम से रिवर्सल हो जाए थोड़ा मुमकिन नहीं लगता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, वेट करने के बाद नीचे की तरफ को निकले, तो वापस नीचे की तरफ को निफ्टी में 100-100 पॉइंटों के पहले टारगेट लेकर चलिएगा नीचे की तरफ के लिए, तो उसके हिसाब से काम करिएगा दोस्तों, ठीक है। नीचे की तरफ को चलने के लिए मैं आपको बता दूं, एक छोटे लेवल पे जो अपना लेवल निकल का रहा है वही 650 का लेवल निकल का रहा है, और कुछ नहीं है इसके नीचे, अगर 24,850 का लेवल निकलता है तो ठीक है दोस्तों। फिलहाल निफ्टी में यही है, कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर चलते हैं पहले, तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर चलने के बाद पहले देखो, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा लिया हमने, ये बैंक निफ्टी है दोस्तों, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें, तो वीकली निफ्टी में भी देखो ये देखना, मैं आपको यही बता के चल रहा था काफ़ी टाइम से, मार्केट यहाँ ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद वापस कहाँ जा रहा है, रिट्रेस्ट के लिए जा रहा है। रिट्रेस्ट करने के बाद वहाँ क्या करेगा, वापस वापस मैं कहूँगा जो सपोर्ट तोड़ता है तो उसे जब भी रिट्रेस्ट करने जाएगा तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस के बाद एक बार सेलिंग आती है, और सेलिंग करने के लिए ये आप देखो मार्केट अपने स्ट्रक्चर पर चलेगा, मार्केट सेलिंग ड्राइव पर देखो, मार्केट अपने स्ट्रक्चर पर चलेगा, यहाँ तक बुलिश चलता रहा, वहाँ पर कंसोलिडेट करा, नीचे गया, वापस रिट्रेस्ट किया, उसके बाद इतना अब सपोज करो इसके लेवल कटने लगे, लेवल कटने के बाद वापस तुम यहाँ देख लो मार्केट को, ठीक है, मार्केट के यहाँ देख लो सपोर्ट है, चार्ट है भाई, चार्ट के अकॉर्डिंग तो यही है ना, बाकी तो मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं, जो चार्ट कह रहा है वही है, ठीक है। तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। तो नीचे की तरफ के लिए अगर यही सपोर्ट टूटता है नीचे के लिए, 50,500 का लेवल टूटता है, तो हम टेस्ट करेंगे 49,500 का लेवल हम टच करके देखेंगे इसमें, और उससे ऊपर नीचे गिरावट होगी तो 48,400 का लेवल भी हम नीचे की तरफ को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं लेवल खोल लेते हैं पहले अपने लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग क्या था अपना, जो अपना जो लेवल के अकॉर्डिंग था, मैं क्या चल रहा था इसी के नीचे निकला, निकलने के बाद लेवल के अकॉर्डिंग अगर इसके अब 49,000 ये जो लेवल निकल कर रहा है यहाँ तक आएगा, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पर आ गया सपोज करो इस चैनल के आसपास, यहाँ क्या करूँगा, बाइंग करूँगा, इमीजिएटली मैं एकदम से सेल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आकर यहाँ थोड़ा सा रुके, रुकने के बाद इसका अपना शैडो दे जाए, यहाँ से ऐसा लगा कि उसके ऊपर वापस बाइंग रैली निकलेगी मेरे लिए, तो ठीक है मैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं डे चार्ट पर, डे चार्ट पर देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग डे चार्ट तो हमारा बेहतरीन चल ही रहा था, तो डे चार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डे चार्ट पर मार्केट 51,937 से नीचे और 51,250 के ऊपर ही, 51,200 के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था, 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक कंसोलिडेट किया, अच्छा ठीक है, ये 5 दिन तक कंसोल्ट करने के बाद इसके बाद जब ब्रेक किया तो ये जो लेवल था ये भी तोड़ा, इसने ये भी तोड़ा, तोड़ने के बाद कहाँ तक आया लेवल, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक आया, सपोज करो डे चार्ट पे यहाँ थोड़ा सा रुक जाए, रुक जाए 1 घंटा 1.5 घंटा रुक जाए, उसके बाद डे चार्ट पे जब इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ तक आएगा, इसी जोन में आएगा, जो लेवल होगा नीचे की तरफ के लिए, नीचे की तरफ का 49,950 का लेवल पकड़ कर चलूंगा, क्योंकि अभी 500 पॉइंटों का करेक्शन जब बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, बैंक निफ्टी में, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग तो यही दिख रहा है। बाकी चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में, तो देखते हैं हमें ट्रेड कहाँ मिलेगी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखो ये रैली हुई थी, रैली हाई थी, ये छोड़ो छोड़ो इसकी छोड़ो, अब इसको हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ पर, ठीक है। अब हमें एक चीज़ लगाने वाली बात है, अब हम यहाँ पे एक तो ये लगाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो अब मार्केट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये कितने दिन का कंसोलिडेट है, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे देखो वापस खुली, खुलने के बाद रिवर्सल हुआ, वापस जब इसका लेवल टूटता तो सेलिंग आनी आनी थी, ठीक है। आने के बाद अब मार्केट को ही लगा लो, ठीक है, कोई लेवल गलत नहीं होते, लेवल बड़े अच्छे होते हैं, लेवल निकालना आना जरूरी है। तो मार्केट में देखो देखो यहाँ ये पहले से चलता हुआ है, मैंने कोई अभी अभी नहीं लगाया, ये पहले से मैंने लगा रखा था, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, वापस गिरा, गिरने के बाद यहीं कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ रिट्रेस कर, यहाँ से फिर सेल ऑफ आया दोबारा से, ठीक है, कहाँ तक आया, यहाँ तक, ठीक है। अब इसको भी मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ ये क्या है, ठीक है, इसको भी दिखा के चलता हूँ मैं आपको, तो ठीक है, तो इस पर ले लेते हैं हम पहले, और इससे पहले हटाते हैं, और इसे लेते हैं
ये हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके नीचे निकलेगा तो मैं सेल करूंगा, साफ है दोस्तों। अब अगर इसके नीचे निकलेगा तो मैं सेल करूंगा, वही निकल कर आ गया हमारा 50,300 का लेवल और 50,000 का दूसरा लेवल, और 50,000 का लेवल हमारा साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है, ये तो मैं मान के चलता ही हूँ। तो 50,000 का साइकिलो रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये ठीक है, ये 50,000 का साइकिलो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बोझल निकल दिया बार बार, तो ये सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसके बाद ये ब्रेक करता है तो वापस मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है, और यहीं थोड़ा सा वेट करता है। इसी बीच में हम अगर सपोज करो कल मार्केट खुलती है मंडे, यानी कि अगर मार्केट खुलती है, मार्केट बनाती है यहाँ कैंडल, और कैंडल बनाने का पूरे दिन इसी बीच में रेंज कर दिया, तो आपको इतनी अच्छी ट्रेड नहीं मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिएगा, अब हमारी रेंज निकल गया, मैं ट्रेड कहाँ प्लान करनी है, 50,850 और 50,400, 400 पॉइंटों के बीच में हमें रेंज निकल गया, इस बीच में हम काम करेंगे दोस्तों। तो निफ्टी की मैंने बैंक निफ्टी की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट के, डेली चार्ट के और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सबके एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसे की, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों में अपने शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइबर हमारे कम है, कम से कम इसे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, और दोस्तों ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय।